इमीटर एम्पलीफायर हैविंग द वोल्टेज गेन जी। अब देखो वोल्टेज गेन जी के इक्वल है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है और उसमें वोल्टेज गेन जी दिया हुआ है एंड द रेजिस्टेंस हैज ए ट्रांस कंडक्टेंस। अब ये अभी तक आपको ट्रांस कंडक्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट ये आया है तो 2013 में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। करंट गेन 25 है तो इन द एबव ट्रांजिस्टर रिप्लेस विद, देखो ये पहली कहानी है, ये कहानी ऊपर है और दूसरी कहानी नीचे रिप्लेस होती है कि ट्रांस कंडक्टेंस अगर 0.2 कर दें मो और करंट गेन 20 कर दें तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा। पहले वोल्टेज गेन कितना था, कैपिटल जी, एक स्टोरी पहले की है, दूसरा स्टोरी दो स्टोरी है और दोनों में हमें वोल्टेज गेन निकालना है दूसरे वाले में। पहले वाले में दिया हुआ ट्रांस कंडक्टेंस या वोल्टेज। अब एक बच्चा जिसको ये फार्मूला याद है कि वोल्टेज गेन क्या होता है और वो, तो अगर जिसको नहीं पता मैं थोड़ा बताऊंगा, पहले जिसको याद है वो कैसे करेगा। तो वोल्टेज गेन का जो डिफिनेशन होता है, वोल्टेज गेन दैट इज वीजी मल्टीप्लाई, वीजी जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस। ये फार्मूला होता है। अब ये जिसको याद है वो डायरेक्ट कर लेगा, जिसको नहीं याद है वो ट्रांस कंडक्टेंस निकालेगा, समझेगा, उसके बाद सॉल्व करेगा। तो पहले मैं ऐसे कर देता हूँ जिसको याद है। तो ट्रांस वोल्टेज गेन पहले वाले में कितना था बोलो, कैपिटल जी, और ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 0.03। ट्रांस कंडक्टेंस को मैं टी से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ और आउटपुट रेजिस्टेंस वो तो वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा भाई। एक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, उसको तो हम बदल नहीं रहे हैं ना। तो दूसरे में वोल्टेज गेन जी डैश हो गया मान लो, निकालना हमें ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 0.02 और मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। तो अगर डिवाइड कर दोगे तो जी डैश अपन कैपिटल जी इक्वल टू 0.02 और डिवाइडेड बाई 0.03, तो कुल मिला के जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/3 कैपिटल जी के इक्वल हो जाएगा। तो 2/3 कैपिटल जी ये वाला सर। अब जिसको याद नहीं है वो फार्मूला ये लिख ले, याद कर ले, या नहीं तो मैं मान लो थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, जिससे बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता होगा। तो ये रहा हमारा प्यारा सा ट्रांजिस्टर जिसको बहुत बार हम बनाएंगे इधर और इतनी बार बनाएंगे। एक मैंने एरो लगा दिया तो ये आ गया पी टाइप, ए बन गया एन और ये बन गया एन। तो ये आ जाएगा इमीटर, ये आ जाएगा कलेक्टर और इधर आ जाएगा बेस, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और हाइयर होगा, तो ये आउटपुट सर्किट हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस। इधर हमने लगा दिया एक बेस रेजिस्टेंस और ये पी है, पॉजिटिव है और बेस और इमीटर फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, तो फॉरवर्ड बायस में रहेंगे तो प्लस माइनस ये वाली चीज़ ऐसे आ जाएगी और इसको हम थोड़ा सा ग्राउंडिंग कर लेते हैं कनेक्शन। तो ये अब ट्रांस कंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, समझने की कोशिश करना। ट्रांस कंडक्टेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, उड़ा देते हैं टीचर। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करेंट, डेल्टा आई सी, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करेंट टू स्मॉल चेंज इन ये वाला जो इनपुट वोल्टेज है वी बी, इसको नाम दे दो वी बी या इनपुट वोल्टेज। तो स्मॉल चेंज इन डेल्टा वी बी इनपुट वोल्टेज, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज, क्योंकि ये जब करंट हम चेंज करते हैं, समझना, ये जब हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो इस वोल्टेज को चेंज करने से आई भी चेंज हो जाती है और आई भी चेंज हो जाती है तो आई सी चेंज हो जाएगी और आई सी चेंज हो जाएगी तो वही आई सी स्मॉल चेंज से इस वोल्टेज के रेशियो को हम ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका यूनिट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, मोह होता है, ठीक है, 1/R जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, उसका उल्टा मोह यूनिट होता है ये। अब इसको हम लिखेंगे वोल्टेज गेन के टर्म में लिखेंगे, तो वोल्टेज गेन के टर्म में कैसे लिखें, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, तो डेल्टा
आई सी अपन डेल्टा आई बी से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो डेल्टा आई बी और डिवाइड बाई डेल्टा आई बी, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे। तो ये वाली जो चीज़ है स्मॉल चेंज इन, समझ रहे हो ना, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट टू स्मॉल चेंज इन बेस करंट, ये जो वैल्यू बनती है वो एसी करंट एम्पलीफिकेशन, एसी करंट गेन बनती है, एसी करंट एम्पलीफिकेशन बनती है। तो एसी करंट एम्पलीफिकेशन, ये जो चीज़ है एसी करंट एम्पलीफिकेशन, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली क्या चीज़ है, ये इज चेंज डिवाइडेड बाय द इनपुट वोल्टेज टू इनपुट करंट, बेस में इनपुट करंट है तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट से अगर मैं डिवाइड करूं तो यह आ जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस, तो यह आ जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, दैट इज ट्रांसकंडक्टेंस टी। तो यहां से जो इनपुट रेजिस्टेंस आर आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो बीटा मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई ट्रांसकंडक्टेंस, ये आ गया मेरा इनपुट रेजिस्टेंस। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए वोल्टेज गेन। अब देखो जिसको पता नहीं उसके लिए कितना लंबा चौड़ा कहानी है। तो वोल्टेज गेन जो होता है, वोल्टेज गेन यहाँ से प्यारे बच्चों निकाल सकते हो, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। अब हमें जो है आउटपुट पोर्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज गेन हमें वोल्टेज गेन चाहिए, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज, या वोल्टेज गेन ये काम नहीं करेगा तो वोल्टेज भी इज इक्वल टू आई आर के टर्म में लिख सकते हैं। वोल्टेज गेन को हम करेंट गेन, करेंट गेन और मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन भी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस गेन मतलब करंट गेन आई जी मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन आर जी। यहाँ से अब करंट गेन को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर, और रेजिस्टेंस गेन आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, इसको यहीं मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से जो बीटा और मल्टीप्लाइड आउटपुट रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो ये बीटा और मल्टीप्लाइड बाई ट्री ऊपर चला गया, तो बी ने बी को, तो यहाँ से जो वोल्टेज गेन आ जाएगा, वोल्टेज गेन वो जो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा वो ट्रांसकंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस। ये मैं पूरा डिराइव भी कर दिया आपके लिए। तो ये रिजल्ट याद रखो कि जो वोल्टेज गेन होता है उस वोल्टेज गेन को वी नॉट आई नॉट भी लिखा सकता है, करंट गेन रेजिस्टेंस गेन भी लिखा जा सकता है, उसी वोल्टेज गेन को ट्रांसकंडक्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिखा जाता है। तो ये मैं डिराइव कर दिया, आपको समझा दिया, और एक बच्चा